वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पूरी करते हैं, इधर आ जाइए, अध्यक्ष जी आप भी इधर आइए। संजीव भैया दिस साइड बिहाइंड सर 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 थैंक यू सो मच जी। इधर आ जाइए बीच में, आप इधर आइए मेरे पास, इधर आओ पास। साहब ऐसा है, संजीव एक बार आगे आ जाइए ताकि वो पिक्चर अच्छे से ले सब एक बार। हरीश जी रावत साहब संजीव आगे आइए, लाड़ी जी इधर आ जाइए, आप अध्यक्ष जी इधर आओ, दोनों महत्वपूर्ण आदरणीय नेता जिनको लेकर आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता को बुलाया गया है, उत्तराखंड में जो कुछ क्षणों पहले तक सरकार में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे, मैं थे कहूंगा क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया है, आदरणीय यशपाल आर्य जी, और एक ऐसे नौजवान जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का सफर आज श्री राहुल गांधी जी से जुड़कर उनके साथ कंधे से कंधा हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़कर चलने का निर्णय लिया है, श्री संजीव आर्य जी जो MLA भी हैं, यशपाल आर्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष रहे, 6 बार से विधायक हैं, 2 बार उत्तर प्रदेश, 4 बार उत्तराखंड, वरिष्ठ मंत्री 1 से अधिक बार रहे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शोषित वंचित गरीब और दलित समाज जो है उनकी बढ़ोतरी के लिए न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर भारत में उन्होंने सकारात्मक और रचनात्मक कार्य किया है और उसके लिए वो संकल्पबद्ध भी रहे हैं। और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हम सब के नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलकर यशपाल आर्य जी ने, हमारे भाई संजीव ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार का गठन करने का और उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं और स्वागत की औपचारिकता देवेंद्र यादव जी जो लंबे अरसे से आपसे संवाद बनाए हुए थे